सर, आप जब इलेक्शन के टाइम में यानी कि 2020 की बात करें तो आप मक्का का फोटो लेकर के फेसबुक में अपना सोशल मीडिया में छोड़े थे कि हम जब विधायक बनेंगे तो मक्का की आवाज़, किसान की आवाज़ बनेंगे और मक्का का दाम सही दाम देंगे, जबकि 1800 क्विंटल के हिसाब से मक्का है, आज मार्केट में 1200 से 1300 किलो क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये मक्का का बात जहाँ तक आया तो मक्का का खेती करके लोग परेशान तो काटने में है, मौसम भी साथ नहीं दे रहा है और भाव जो है ये बिहार सरकार आज के दिन तक कान में तेल दे के सोया हुआ है। उसी चलते हम लोगों को पता चला कि ठाकुरगंज में कोई बड़ा पार्टी खरीद रहा है, वो भी बिचौलियों से खरीद रहा और किसान से नहीं खरीद रहा है, जिसके चलते हम लोग आज ठाकुरगंज आए थे। हमारे सदर साहब भी थे आज और बहादुर विधायक अंजार साहब भी और हम भी थे। अभी बात करने का हम लोगों ने कोशिश किया उसके मालिक से और उससे जब बात नहीं हो सकी तो यहाँ के जिला पदाधिकारी जो हैं किशनगंज के, उससे हम लोग बात किए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस मामले को देखते हैं और किसानों का भी उचित दाम में मक्का खरीदवाने का काम करते हैं। सर, बिजली व्यवस्था की बात करें तो कोचाधमन की सबसे ज़्यादा कंप्लेन दिख रही है। हाँ, ये सही बात है कि कोचाधमन का भी शिकायत है और ये पूरे सीमांचल का ही यही हाल है। जब हम लोग पूछते हैं तो बोलता है कि जो सप्लाई होता है उससे 7 या 8 के भी कम कर दिया है, तो हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है, हाँ प्रमुख साहब, हमें जो जानकारी मिली है कि पिछले दफा जितना उसका सामान खरीदा गया था 1 साल 1.5 साल पहले, वो तमाम 2 नंबर कंपनी से खरीदा था और 2 नंबर सामान दिया है। अभी मिस्त्री लोगों को जब हम लोग पूछते हैं तो कहता है कि जो पुराना वाला जो सामान है वो ठीक है, जो कि नया साल 1 साल 1.5 साल पहले लगा है वो बस से बदतर है, उसमें कमीशन खोरी करने का काम किया है, इसलिए वो सामान नहीं टिकता है और हम लोग आज लगाते हैं कल खराब हो जाता है। इसके लिए हम लोग अगर उसको चेतावनी दिए हैं कि अगर वो 1 सप्ताह में बिजली का ये ठीक नहीं करे, सप्लाई ठीक नहीं करेगा, तो हम लोग उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे कि पिछले दफ़ा जितना सामान खरीदा गया है उसका कमीशन ले करके उसका बिल पास किया है। इसके लिए हम लोग 1 हफ्ता का समय दिए हैं उन लोगों को, 1 हफ्ता में बिजली अगर ठीक होता तो ठीक है, वरना हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठेंगे और सड़क से लेकर सदन तक इस बात को उठाएंगे कि बिजली का पोजीशन क्यों इतना ख़राब है हमारे सीमांचल में। ये बहादुरगंज का ही मसला नहीं है, ये पूरे बिहार का मसला हो गया है अभी बिजली का। हम लोग सभी बिजली मंत्री से मिलने वाले भी हैं, क्योंकि अभी सेशन खत्म होने के बाद हम लोग आए तो अभी दोबारा जा नहीं पाए हैं पटना, तो हम लोग जा करके इस मसले पर बात करेंगे। ये मसला बहुत परेशान कुन है। हम लोग 13 गाछी में अक्सर बिजली को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है कि बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो उस विषय में क्या प्रयास किए जाएंगे आपकी तरफ से? वही मैं भी कहा कि अभी जैसे प्रोडक्शन का भी मसला है, जैसे बिहार को, पूरे बिहार को 6000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, लेकिन अभी 1250 मेगावाट ही बिजली उपलब्ध हो पा रहा है, जैसे कुछ यूनिट भी बंद हो गई हैं जो प्रोडक्शन यूनिट था। तो अभी ये हमारा सिर्फ बहादुरगंज विधानसभा के नहीं, पूरे बिहार का मसला है, लेकिन फिर भी हम लोग इस मसले को लेकर के बात करेंगे। हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र यादव जी से बात करेंगे और जो मुझे सुनने में आया, जैसे पदाधिकारी लोग बताते हैं कि पूरे किशनगंज को 24 मेगावाट बिजली मिल रहा था, अभी उसको साथ घटा करके 18 या 20 कर दिया गया है, तो 24 जो मिल रहा था तो 24 ही मिले। इस मसले पर बात करेंगे, देखते हैं अभी, चूँकि हम लोग जब कोविड के वजह से जो हम लोगों का जो सत्र चल रहा था उसके बाद हम लोग आए तो अभी जा नहीं पाए हैं, तो फिर इंशाल्लाह 8-10 तारीख के बाद हम लोग पहुँचेंगे तो इस मसले पर बात करेंगे, उसके बाद आपको मजीद जानकारी दे पाएंगे। सर, बहादुरगंज को अनुमंडल क्यों नहीं बनाया जा रहा है फिर? नहीं, ये मामला हम लोग मिले भी थे तो प्रस्तावित है, तो वो प्रस्ताव की कॉपी मांग रहे थे कि ऐसा प्रस्ताव कब था, तो हम लोग को तो अभी, चूँकि हम लोग अभी अच्छी तरह जम भी नहीं पाए पटना में, तो उसके बाद इसका जो पहले जो पूर्व में इसका अगर कुछ अगर प्रस्ताव लिया गया था तो उसका कुछ पेपर्स को इकट्ठा करके फिर मुख्यमंत्री से बात करेंगे इस मसले पर, और हम लोग मतलब सबको यूनाइट होकर के इस मसले को उठाएंगे। अभी जो हम लोग जो चाह रहे हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, छोटा छोटा ये ब्लॉक बने, छोटा छोटा अनुमंडल बने, तो उसी पर हम लोग गामजन हैं और इंशाल्लाह उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और ये इस पर अगर धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा तो करेंगे और ये होगा। सर, आज एक सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है कि आपके बहादुरगंज के पदाधिकारीगण कुछ ज़्यादा ही ये रौब दिखा रहे हैं और किसी पर केस भी किए हैं, आज FIR भी दर्ज हुआ है। हमको भी मालूम हुआ है, जैसे वहाँ डॉक्टर में कुछ लोग शायद जा करके उद्धम मचा रहे थे, तो FIR किया गया है, मालूम जानकारी है मेरा।
तो हम देखते हैं उस मसले पर क्या क्या सच्चाई क्या है, उस पर आगे की कार्रवाई होगी।